गाजा में युद्ध की वजह से इजराइल चारों फ्रंटों से घिर चुका है। एक तरफ जहां गाजा में आईडीएफ हमास से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला उत्तरी फ्रंट पर तबाही मचा रहा है। और इसी कड़ी में यमन का हूती इराक और सीरिया के प्रतिरोधियों के साथ मिलकर इसराइल पर रहकर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, जिसकी काट अभी तक इसराइल के पास नहीं है। इन तीनों ही मोर्चों पर इसराइल रक्षात्मक पोजीशन में है, मतलब इजरायली सेना सिर्फ इन संगठनों के हमलों को रोक रही है, न कि सीधा उनके ऊपर हमले कर रही है। और अब इसी कड़ी में इराक के प्रतिरोधी संगठन ने इसराइल के ईलत यानी उमल रशरश पर एक बड़ा हमला किया है। इराक के प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने ईलत में आईडीएफ के एक अहम ठिकाने पर हमला किया है। प्रतिरोधी समूह ने इस हमले को लेकर एक बयान भी जारी किया है। उसने कहा कि उसका ये हमला गाजा में इजरायली सेना के नरसंहार के जवाब में है। प्रतिरोधी समूह ने आगे कहा कि हम दुश्मन के गढ़ में और भी ज्यादा तीव्रता से हमले जारी रखेंगे। प्रतिरोधी समूह ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इराकी प्रतिरोधी समूह के अल नुजामा मूवमेंट का सेक्रेटरी जनरल शेख अकरम अल काबी दिखाई दे रहा है। काबी इस ड्रोन हमले की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। वीडियो में वो ईलट पर दागे जाने वाले ड्रोन को लॉन्चिंग की तैयारी में लगा नजर आ रहा है। प्रतिरोधी समूह के इस वीडियो में कुछ लड़ाके पहले तो एक लॉन्चर को तैनात कर रहे हैं और उसके बाद उसमें एक ड्रोन फिट किया जाता है, जिसके बाद सेक्रेटरी जनरल शेख अकरम अल काबी ड्रोन को तैयार करते हुए नजर आता है और उनके साथ कुछ लड़ाके और नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये सभी लड़ाके थोड़ा पीछे हट जाते हैं और कुछ देर बातचीत करने के बाद इस ड्रोन को ईलत की तरफ लॉन्च कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रतिरोधी समूह ने दावा किया था कि उसने 16 जुलाई को इसराइल के मालीम बेस पर एक हमला किया था। वहीं लेबनानी न्यूज एजेंसी अलमायादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इराक से 3 हमले इजरायली टारगेट पर किए गए थे और ये हमले खान यूनिस शहर के अलमवासी कैंप में इजरायली हमलों के जवाब में किए गए थे, जिसमें करीब 90 फिलिस्तीनियों की जान चली गई थी। और 16 जुलाई को इराकी प्रतिरोधी समूह ने इसराइल पर 2 हमले किए थे, जिसमें उसने 2 आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और इसके बाद तीसरा हमला स्थानीय स्तर पर बनाई गई अलरकाब क्रूज मिसाइल से किया गया था। हालांकि इन हमलों से इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा था, इसको लेकर इजरायली मीडिया से भी कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इसराइल पर हमलों में हुए नुकसान की जानकारी छिपाने का आरोप लगा हो, बल्कि इससे पहले भी गाजा में आईडीएफ को हुए नुकसान की जानकारी पर भी पर्दा डालने का आरोप इजरायल सरकार पर लगता रहा है।